असल आज हम ये पढ़ेंगे कि क्या होता है ठीक है अब जो वर्डिक है इसको हमने Latin word cyst से किया है जिसका मतलब होता है या फिर कोई भी छोटा चो, सा पाउच जिसके अंदर फ्लूड होता है अब ये fluid, उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो सकती है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है और डायलूटेड भी हो सकता है डायलोटेड मीन उसके अंदर वाटर कॉन्टेंट ज्यादा होगा और कॉन्सनट्रेटेड का मतलब की उसके अंदर वाटर कॉन्टेंट कम होगा और सोलडीफाइड फॉर्म में होगा वो ठीक है अब क्या होता है कि सिस्ट का वर्ड जो है वो यूरेंडरी ब्लडर के लिए भी यूज होता है तो इससे आपने कन्फ्यूज नहीं होना अब क्या होता है कि जैसे कि आपने कभी पढ़ा होगा सिस्टाइटस तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इन्फ्लेमेशन है यूरेन्डरी ब्लडर की या फिर कोई इन्फेक्शन जो है वो यूरेंडरी ब्लडर का वो हुआ है एक और वर्ड होता है साइट ठीक है सी वाई टी इसका मतलब होता है सेल ठीक है और जैसे कि आपने पढ़ा होगा साइटोलॉजी तो ये हमारे पास स्टडी ऑफ सेल है तो इस तरह से आपने इसमें जो है डिस्टिंक्शन जो है वो करनी है ठीक है देन हमारे पास आ जाता है फाइब्रोसिस अगर हम इस फाइबर की बात करें तो इसका मतलब क्या ये लैटिन वर्ड फाइबरा से निकलें जिसका मतलब क्या होता है फ़ाइबर या फिर फिलामेंट ठीक है और ओसिस वर्ड जो है ये मेडिकल के अंदर आ, बहुत सारे जो हैं वर्ड उनके आ, पीछे जो है सफिक्स के तौर पे यूज़ होता है ठीक है अब इसका ओसिस का मतलब क्या होता है तो ओसिस का मतलब होता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन और समथिंग दैट इज़ इन डिजीज़ प्रोसेस ठीक है तो इसमें क्या होता है कि यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो यानी कि फ़ाइबर की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गई है ठीक है तो इसमें मोस्टली जो होता है फ़ाइब्रोसिस में जैसे कि हम आ, स्कारिंग का नाम देते हैं तो इसमें क्या होता है कि कोलेजन की डिपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ठीक है तो ये एक एग्ज़ाम्पल है इसकी अगर हम सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करें तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारे पास क्या होती है जेनेटिक डिज़ीज़ है ठीक है इसमें क्या होता है कि जो जीन होता है जिन जिसने सी एफ टी आर जो चैनल है उसको इनकोड करना होता है उस जीन के अंदर क्या होता है म्यूटेशन हो जाती है और उसके रिज़ल्ट में जब उसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी तो जो प्रोटीन वो बनाएगा ठीक है वो या तो उनका स्ट्रक्चर जो है उनका ख़राब होगा ठीक है या फिर वो प्रोटीन बनेगी ही नहीं या वो प्रोटीन की अगर बन रही हैं तो उनकी अमाउंट थोड़ी होगी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं ठीक है थीके? अब क्या होता है कि सी एफ टी आर जो हमारे पास है चैनल ये आ इसको हम कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडक्टर्स ट्रांसपोर्टर चैनल ठीक है ये चैनल जो है वो क्लोराइड आयन की रेगुलेशन uh, का रिस्पॉन्सिबल होता है यानी कि क्लोराइड uh, जो सेल के अंदर कितना मूव करेगा बाहर कितना मूव करेगा अब ये सी एफ टी आर चैनल जो होता है ये इन्फ्लुएंस करता है ई नै चैनल के ऊपर जो कि सोडियम चैनल सोडियम आयन का रेगुलेटर होता है ठीक है अब क्या होता है कि जो पर्सन सिस्टिक जिन पर्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस है उनके अंदर ये तो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा या फिर वो एबसेंट होगा ठीक है डिफरेंट फैक्टर होते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनकी जो है प्रोडक्शन या फिर कम होगी तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि जो है एक्स्ट्रा म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस होगा ठीक है अब जो है एक्स्ट्रा म्यूकस जब प्रोड्यूस होगा इसके अलावा वो म्यूकस जो है वो थिक होगा ठीक है अब अगर सोचा जाए तो म्यूकस कहाँ कहाँ बॉडी में प्रेजेंट होता है तो वो हम रिस्पायरेटरी जो हमारे एयरवेज़ यानी कि रिस्पायरेशन रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है यानी कि एयरवेज़ में प्रेजेंट होगा इसके अलावा जो है जो जी में प्रेजेंट होता है ठीक है रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है इसके अलावा जो एपीथीलील मोस्ट एप, क्या होता है कि जो सी एफ टी आर चैनल है ठीक है ये एपीथीलियल सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें प्रेजेंट होता है तो एपीथीलियल सेल जो होते हैं वो स्किन में भी प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर भी इफ़ेक्ट करेगा यानी कि इसके सिस्टेमिक जो इफेक्ट हैं वो आ रहे होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर तो अगर हम बात करें सिस्टिक फाइब्रोसिस सेल्स की तो इसमें क्या होता है कि एक्जोक्राइन ग्लैंड है उसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है ठीक है अब क्या होता है कि इसमें अब इलेक्ट्रोलाइट जो है इम्बैलेंस हो जाता है अगर हम बात करें आ, स्वेट ग्लैंड की और जीआईटी और डिस्पारिटी सिस्टम की तो स्वेट ग्लैंड के अंदर सीएफटीआर का फंक्शन और होता है और जी जी आई टी और रिस्पैलिटी सिस्टम में और इसका फंक्शन होता है ठीक है तो अब इसकी जैसे कि ये यहाँ पर सेल है ठीक है पिथीलियल सेल है जो कि स्किन में पैंट है ठीक है अब इसमें नॉर्मली क्या होता है कि क्लोराइड मूव कर रहा होता है इनटू द सेल और साथ ही साथ उसकी वजह से ये इन्फ्लुएंस करता है ई चैनल के ऊपर और सोडियम भी साथ ही साथ जो है वो मूव कर जाता है ठीक है ये नॉर्मल जो है सिचुएशन उसमें होता है लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जो क्लोराइड है वो मूव नहीं कर रहा ठीक है जब क्लोराइड मूव नहीं करेगा क्यों नहीं मूव करेगा क्योंकि सी एफ टी आर चैनल जो है वो वहाँ पर है ही नहीं या फिर वो एबसेंट है या फिर वो डिसरप्टेड है या फिर उसकी अमाउंट बहुत कम है तो फिर सोडियम भी है वो भी अब सेल के अंदर मूव नहीं करेगा तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि ज़्यादा जो है सोडियम और क्लोराइड आयन आइन एक्सपेलेंट होंगे तो उसके रिजल्ट में जो जो स्वेट प्रोड्यूस होगा वो भी बहुत साल्टी होगा ठीक है अगर हम जीआईटी की बात करें तो जीआईटी में क्या होता है ये जो यहाँ पर सेल प्रेजेंट है ठीक है यहाँ पर जो है इसका काम क्या होता है कि ये ई फ्लैक्स कराएगा क्लोराइड का और इनफ्लक्स कराएगा सोडियम का लेकिन ये नामा सरकम में है लेकिन जब सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा तो क्या होगा कि क्लोराइड ना तो बा, क्लोराइड बाहर मूव नहीं कर रहा ठीक है उसके रिज़ल्ट में सोडियम जो है वो क्या करे अंदर नहीं आ रहा लेकिन इस तरह क्या होता है कि सोडियम का यहाँ पर ई न यहाँ पर क्योंकि जो सी एफ टी आर होता है उसकी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं प्रोड्यूस हो रही होती क्योंकि वो म्यूटेटेड है ठीक है उसके रिज़ल्ट में जो चैनल है सोडियम चैनल उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम ल्यूमिन से अंदर सेल में आएगा अब जब सोडियम अंदर आ रहा है तो साथ ही साथ वाटर भी अंदर आ जाएगा जिसके रिज़ल्ट जो म्यूकस है वो क्या होगा वो ज़्यादा कॉन्सनट्रेटिड हो जाएगा ठीक है उसके अंदर वाटर का कॉन्टेंट बहुत कम हो जाएगा जिसके रिजल्ट में वो थिक हो जाएगा जाएगा और जब वो ठीक हो जाएगा तो सीलिया जो होंगे उसको इजीली मूव नहीं कर पाएंगे तो उसके साथ ही साथ जो कि फॉरन पार्टिकल हम इनहेल कर रहे हैं बैक्टीरिया जो हम डेली लाइफ में इनहेल कर रहे हैं ठीक है वो वहां पर स्टिक कर जाएँगे जिसके रिजल्ट में वहाँ पर डिफरेंट इन्फेक्शन जो है वो फर्दर जो है सेकेंडरी टू सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो जनरेट होंगे ठीक है तो इससे हमें क्या पता चला है? कि सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारे पास एक ऐसा डिसऑर्डर है ठीक है जो कि अपीथीलील ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अफेक्ट करता है यानी कि जो एपिथीलियल आइन चैनल हैं ठीक है उनकी ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करेगा जिसके रिजल्ट में फ्लूड की सिक्रीशन जो है वो इफेक्ट हो गई वो कहाँ पर अफेक्ट हो रही है वो एक्जोक्राइन ग्लैंड के अंदर अफेक्ट हो रही है ठीक है और एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर और एपिथेलियल लाइनिंग किस किस में पैंट होती है वो रिस्पारेटरी सिस्टम में पैंट होती है जीआईटी में होती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है ठीक है तो इस तरह से ये सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो अफेक्ट करता है तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अल्लाह हाफिज़